हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए। क्या हुआ तिमनासा? पहली बार तो मैं बालवीर से ऐसे घबराते हुए देख रहा हूँ। बात क्या है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है भैमार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए तुरंत। लेके चलो इस वैज्ञानिक को, इस यूडेडियम को। अरे इतनी भी क्या चल दी है बहरानी, अब तो मेरे और जबदाली के पास भी जादुई शक्तियाँ चुटकी बजा के गायब हो जाते यहाँ से। चलो चलो। कहा ना यहाँ जादू इस्तेमाल नहीं करना। चुप जाओ। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? कोई है? किसी भी तरह से मेरी योजना सफल नहीं होनी चाहिए। दीदी, दीदी, हमें पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए। दीदी कहाँ हैं आप? मैंने आपको पकड़ लिया। विवान, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया, वो परमाणु वैज्ञानिक तुषार भाटिया दिल्ली से अगवा किया गया है, फिर तुमने हमें यहाँ मुंबई में क्यों बुलाया? क्योंकि तिमनासा चाहती है कि हम आपने ही पूछ कर पूछा करने में टाइम वेस्ट करें। तुम कहना क्या चाहते हो विवान? यही कि मुझे जो आवाज सुनाई दी थी वो तिमनासा ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि वो चाहती है कि हम लोग दिल्ली में भटके रहे जबकि मुंबई में यूडेडियम की रेडियो एक्टिव रेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में निकल रही है। और जहाँ वो यूडेडियम है वहीं पर उसने उस वैज्ञानिक को छुपा कर रखा होगा। विवान! अरे अच्छा हुआ आप दोनों भी मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपके प्यारे भाई देव के बारे में कुछ बताना था। क्या? आज ना मैं देव भैया बाजार में दिखे थे, उनके सामने से एक लड़की आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry, वो मेरी वजह से। माफ कर दो। और मुझे लगता है वो पेपर वापस करने उसी एड्रेस पे गए होंगे जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ था। ध्यान से सोच गोपू और बता कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया वो मुझे याद नहीं, तो एड्रेस क्या याद रहेगा? गोपू, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दिमाग पर जोर डाल और सोच कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे ओके ओके यार, तू गुस्सा मत कर, मैं सोचता हूँ ना। सोच। मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। याद आया? क्या? मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। नहीं 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 नहीं, मालवानी वेयरहाउस नंबर 6। नहीं 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 नहीं, गोपू। पविये पविये पक्का? अरे पक्का पक्का, उस पर ट्रस्ट कर यार। मैं देवू भैया को ढूंढ। अरे क्या हुआ? ये देवू भैया कब से बन गए और क्यों बने? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, फिलहाल तू घर जा। अरे लेकिन घर जा, मैंने बोला ना। विवान, तुम्हें याद है ना शौर्य ने क्या कहा है?
हम हमारे अंगत रिश्तों को सच्चाई के बीच नहीं ला सकते। यादें मस्ती परी, लेकिन भैया की याददाश्त चली गई है पर उनके पास शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विवान प्लीज आयो पर, घर पे मम्मी भी उनको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होगी। पहले मैं देवू भैया को ढूंढ के उन्हें घर वापस छोड़ दूं, फिर आप लोगों के साथ तमन्नासा को ढूंढने आऊंगा। मैं जानती हूँ गिरपड़े जी, 24 घंटे से पहले गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, लेकिन मैं आपसे पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक पड़ोसी की हैसियत से मदद मांग रही हूँ। आप लिखवाइए ना रिपोर्ट, हाँ ढूंढिए ना मेरे विवान को, पता नहीं कहाँ। एक मिनट, गोपू बेटा, तूने विवान को देखा कहीं? हाँ आंटी, मैंने उसे सुबह सुबह मार्केट में देखा था देव भैया को ढूंढते हुए। मतलब तूने विवान और देवू दोनों को एक साथ देखा था? अरे कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? अरे बोलो नहीं सुनो, वो बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे बता तूने दोनों को कौन सी मार्केट में देखा था? नटराज मार्केट में। नटराज मार्केट? लेकिन अभी विवान देव भैया को ढूंढने मालवानी वेयर हाउस नंबर 5 के अंदर गया है। वेयर हाउस नंबर 5? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे तरुण आंटी, कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? वैसे अपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने? आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? वैसे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपके पेपर्स लौटाने थे, फिर इस पे एड्रेस देख के मैं यहाँ तक पहुंच गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे आप दोनों तो वही भैया है ना जो उस दिन नाली में गिर गए थे, नाली के कीड़े ने काटा तो नहीं ना आपको? वैसे तिमनासा कौन है? आप बार बार उसका नाम ले रहे थे, कौन है वो? मालूम नहीं। ये तो मैं पहचान क्यों नहीं रहा है, कहीं जब्दाली सही तो नहीं कह रहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हो सकता है इसका कोई नया पैतरा हो? फिलहाल तुम ये सब कुछ मत सोचो भैमार, बस जितनी जल्दी हो सके परमाणु बनाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ बताइए ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ? अरे आप कौन है अंकल, आपका नाम क्या है? बचाओ। अरे बड़े प्यार से ले जा रहे थे आप इस बॉक्स को, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, वापस इनके मुंह में रुमाल क्यों डाल दिया? या फिर कोई और बात तो नहीं है? सच सच बताइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक बालवीर, अब ये नाटक बंद करो बालवीर। बालवीर? कौन बालवीर? ये दोनों भैया भी मुझे बालवीर करके बुला रहे थे, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम देबू है और मेरी याददाश्त जा चुकी है। तुम ऐसे नहीं मारोगे ना, लगता है मुझे ही तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिराना पड़ेगा। दीदी नहीं नहीं, अरे ये क्या कर रहे हैं? नहीं दीदी,
ये तिमनास है, इसे नफरत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझ आती। अरे विवान, तुम्हें आपका पता कैसे मिला? आप लापता हो गए थे, इसलिए पता लगाते हुए मैं इस पति पर आ गया। वैसे इतना टाइट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? गर्मी नहीं लगती? और सुसु कहाँ से करते हो? गर्मी तो होती है, लेकिन जोश की गर्मी, बुराई को खत्म करने की गर्मी। और सुसु भी आती है, लेकिन मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को। आपके हाथों से तो जादू निकलता है। नहीं 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 नहीं। सॉरी दीदी, सॉरी। भैया एक मिनट भैया। बिना पावर के भी भैया इन लोगों की बैटरी डाउन कर रहे हैं। अरे भैया, मैंने आपको बोला था ना एक मिनट रुको, फिर भी आप नहीं रुके। अरे छोटे भैया, आपके तो दोनों हाथों से लेजर निकलती है। वाह, मुझे परियों को भी बुला लेना चाहिए। आया था भैया को रूप में, लेकिन मिल गई तिमनासा। मस्ती परी, भाभी परी, आप जहाँ कहीं भी हो चल 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 मालवनी के वेयर हाउस नंबर 5 में आ जाइए। तिमनासा यही है। लगता है बचपन में बहुत चीटिंग करती थी, बच्चे की आंखें बंद थी तब आपने वार किया। शेम शेम। We'll be right back.
आंखी को। देव उठो, देव। भैया आंखी खोलो। देव उठो, देव, देव। भैया आंखी खोली। विवान, 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 मुझे लगता है हम सबको मिलकर देव को प्राण ज्योत देनी चाहिए। हाँ। विवान, विवान, ये तो मम्मी की आवाज है। उन्हें कैसे पता कि हम लोग क्या हैं? चलो, उस कॉपू ने अपना मुंह खोला होगा। परियों, मैंने मम्मी को बताया कि आप सब अपनी माँ से मिलने शहर से बाहर गए, पर इस वक्त आप लोगों को मम्मी के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन विवान, हम देव को अकेला छोड़कर कैसे जाए? मैं बाद में इन्हें प्राण शक्ति देकर ठीक कर दूंगा, लेकिन इस वक्त आपका जाना जरूरी है। अगर मम्मी ने आप सब लोगों को देख लिया तो हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। विवान, और हाँ, एक और बात, फिलहाल हम इनको देव नहीं, इनको देवू करके बुलाते हैं। ऐसा क्यों? विवान, ये सब समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आप लोग जाइए, लगता है मम्मी बात पास आ गई है। तुम सब संभाल लेना। विवान, विवान, तू ठीक तो है ना बेटा? देवू, यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा है? देवू, क्या हुआ इसे? मुझे भी नहीं पता मम्मी, मैं जब यहाँ आया तब मुझे देवू भी ऐसी हालत में बेहोश मिले थे। देवू, कहीं देवू का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? हाँ, तू बाहर रे, तू बाहर इसे मार। क्या? ला मारू? मार। कहीं उन दो लंबे नाटे की जोड़ी फिर से यहाँ तो नहीं आई थी ना इसके साथ झगड़ा करने के लिए? अरे नहीं नहीं मम्मी, उनकी इतनी हिम्मत हो कि आपके हाथों डंडे खाने के बाद भी ये भैया से लड़े झगड़ा करे। तो फिर ये बेहोश कैसे हुआ? ये क्यों आया था यहाँ पर? मम्मी, ये सब बातें हम घर चलकर भी कर सकते हैं, अभी भैया को ले चलते हैं। देवू, देवू बेटा, मेरी प्यारी मम्मी की आंखों में आंसू लाने के बदले तुम्हें भी रोना पड़ेगा तमन्नासा, अपने उन चमचों के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बालवीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसकी याददाश्त वाकई चली गई है कि या फिर ये कोई नाटक है? अरे, नाटक कर रहा तो उसे अभिनय के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए वरानी, क्योंकि आपके इतने हमले के बाद भी उसने एक बार भी पलट के हमला नहीं किया। कुछ भी हो, लेकिन हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। मैं ये परमाणु हथियार बनवाने में व्यस्त हूँ और उसके ऊपर नजर नहीं रख सकती। काश इस वक्त कालपरी यहाँ पर होती तो बालवीर के ऊपर नजर रख सकती थी। कालपरी नहीं है तो क्या हुआ तिमनासा? मैं हूं ना, और है कोई मेरे पास जो बालवीर पर नजर भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे टक्कर भी दे सकता है? है? लेकिन ऐसा कौन है जो बालवीर से दुश्मनी लेने के लिए तैयार है? कौन है? तिमनासा, दुनिया में बुरे लोगों के जितने दुश्मन होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे लोगों के होते हैं। और है एक ऐसा दुश्मन जिसके दिल में आग भड़क रही है बालवीर से बदला लेने के लिए, जो बालवीर के हाथों मारा गया था बगदाद में। बगदाद? बगदाद में? अरे, क्या आप भी मरे हुए भूत को बालवीर के पीछे छोड़ेंगे क्या? साफ साफ बताओ भैमार, तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे मैंने बगदाद में बनाया था, और चाहूं तो फिर से जिंदा कर सकता हूं। कौन?
दूसरा जन्म मुबारक हो नागिनी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।